వరంగల్ గొర్రెకుంట హత్యల ఘటనలో పోలీసుల విచారణపై మక్సూద్ కుటుంబ సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సంజయ్ ఒక్కడే 9 మందిని తీసుకెళ్లి బావిలో పడేయడం అసాధ్యమన్నారు. సంజయ్ తో పాటు మరికొంతమంది హత్యల్లో పాల్గొని ఉంటారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి వరంగల్ ఎంజీఎం కు వచ్చిన మక్సూద్ కుటుంబ సభ్యులకు మృతదేహాలు అప్పగించారు అధికారులు. కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు మళ్లీ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు బంధువులు. बॉडी कलेक्ट करने, बॉडी को लेकर दफना रहे हैं. ये जड़ से इसकी मकसूद की हादसा के अच्छी से जानकारी होने चाहिए. एकदम जड़ से लेके ये हमारी रिक्वेस्ट, संजय कुमार को सजा एकदम मिलनी चाहिए. इसके पीछे जिसके भी हाथ हो उनको सजा मिलनी चाहिए. अभी पुलिस स्टेशन से हमारे को रिपोर्ट मिला, 2 महीने पहले उनको मार दिया गया. मैं न्यूज़ पे सुनने के बाद में मैं देखा कि मेरा मकसूद, मेरा फैमिली पूरा, जब ये सारा डेट हो गया तो मैं खबर पाते ही मैं वहाँ से फौरन अपने बाई कार बाई रूट मैं यहाँ थाना पे आया. आने के बाद मैं यहाँ सर लोग से बैठक किया. बैठक करने के बाद मैं सर लोग हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि ये सारा काम आपका हो गया, ये आप लोग और सर यहाँ मुजरिम को कस्टडी में रखे हैं, उस पर सर सजा डालेंगे, सारा चीज इस पे कानूनी कार्रवाई मुजरिम पे होगी, सर ऐसा कह रहे हैं हमसे. हम लोग यहीं पे सारा काम मिट्टी कर देगा, यहीं पे मिट्टी मिल कर देगा, यहीं होगा. संजय कुमार पे कानूनी कार्रवाई जो होगी वो गवर्नमेंट और हमारे जो यहाँ के ऑफिसर हैं वो उन पे करें.